गौरव तिवारी को मारकर दफन किया गया था, लेकिन जितनी गहराई में वो दफन था उससे भी कई गुना ज्यादा गहराई में दफन थी इस केस की बहुत सारी कड़ियां। साहब, ये जमीन हमारी हद में नहीं है, कब्रिस्तान की जमीन के बाहर है। अब कब्रिस्तान के अंदर हमारा नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ तक आए थे बात करने के लिए। जगह को देख के साहब पता चल रहा है इसे लोग पीने पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही बात तो हमें भी हैरान कर रही है साहब कि ऐसे कैसे कोई यहाँ पर आकर ये सब कर सकता है कि यहाँ का गड्ढा भी खोदता है फिर लाश भी दफना कर चला जाता है। सर, मैं फॉरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ, यहाँ से गौरव की बॉडी निकली, पॉसिबिलिटीज है कि इस एरिया में कुछ और भी हो। बियर की 4 बोतलें भी मिली, पीने वाले शायद गौरव के पहचान वाले होंगे, साथ में पिया होगा और फिर मार कर यहीं गाड़ दिया होगा। इस पूरे एरिया को सील कर दो। राशिद अबरा, अपनी जान पहचान वालों से पता करो, हो सकता है गौरव यहाँ हमेशा आता। मर्डर का टाइम डॉक्टर? ये कल 22 मार्च से मिसिंग, मुश्किल से 12 से 14 घंटे पहले मर्डर हुआ है, यानी कि कल ही। इसकी गर्लफ्रेंड भी मिसिंग है, अब इस पे ही शक कर रहे थे और तो इसका ही मर्डर हो गया। ये कपड़े गौरव की है, कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा नहीं रहा तिवारी जी। ये क्या कह रहे हैं आप? अबीरगंज वाले कब्रिस्तान के पीछे हमें उसकी डेड बॉडी मिली। सब, मैं करण झा को उठाने जा रही। स्वाति अवस्थी और मयंक पांडे की तरफ से करण का नाम सामने आया है। उठा लो, सबको उठा लो। मुझे गौरव के सारे दोस्त चाहिए, गुनीत यादव, मयंक पांडे, सुनील भदौरिया, स्वाति अवस्थी और उसका बॉयफ्रेंड अंकुर मिस्त्री, सबको लेकर चंचल की फैमिली को भी बुला। हम चंचल को ढूंढ रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड की हमें डेड बॉडी मिलती है। हो क्या रहा है इस केस में? सर, ये पता देखिए सर, खून है, सूख चुका है। हाँ, सूखा हुआ खून तो है, इसे भी स्कैन के लिए भेजो, आसपास सर्च करो, कुछ और भी मिल सकता है। यहाँ आइए जल्दी। हाँ, वो तो सब ठीक है, देखिए मैं समझता हूँ, ये सारी बातें तो यहाँ आकर भी हो सकती है ना, फिलहाल तो आप यहाँ आइए तुरंत। आप सारी बातें फोन पर नहीं बता सकते। तो यहां कुछ है सब, अच्छे से देखो, सिर्फ गड्ढा खोदा गया है या कोई और भी डेड बॉडी दबी है यहां? सर, जहाँ से गौरव की बॉडी मिली वहां से तकरीबन 30 फीट दूर एक दूसरा गड्ढा मिला। दूसरा गड्ढा? और कोई लाश? अभी तक तो नहीं, पर पास से ही सूखे खून के निशान मिले, चेक करना होगा कि वो गौरव के या किसी और। जी, करण झा आपका बेटा? हाँ, बीमार हुए हफ्ते भर से ज्यादा टाइम हो गया उसे, खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ, क्या बात है? चंचल गुप्ता को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, जानते हैं, पर सुना है कि वो मिसिंग है। करण और चंचल के बीच में क्या चल रहा था? एक्चुअली मैम, करण के सर पर चंचल को बांधने का जुनून सवार था, वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। हमारे कोचिंग में है वो, साथ पढ़ते हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दे। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या करण? चंचल, चंचल बस हमें एक बार मौका देकर देखो, एक बार भरोसा करके देखो, हम सच कह रहे हैं, हमसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? प्लीज हमें अकेला छोड़ दो।
क्लासेस कम नहीं था कि अब ये कॉलेज के बाहर भी पहुंच गए? चंचल तुम नहीं जानते हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं। चल हमें बस एक मौका देकर देखो। तुम बेवकूफ हो, बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई भीख मांगता है? चंचल आई स्वेयर आई रियली लव यू बट आई डोंट करन। हमारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, हमें परेशान करना बंद कर दो। चंचल बस हमारे साथ एक बार कॉफी पर चलो, फिर तुम जान पाओगी कि हम कितने अच्छे और कितने सही हैं तुम्हारे लिए। करण कॉफी पे नहीं, तुम्हें ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। करण तुम्हें हजार बार मना कर रही है, तुम समझते क्यों नहीं? क्यों बीच में बोले हो साथी, हम तुम्हें डेट पर चलने के लिए बोले क्या? तुम जिस तरह बोल रहे हो ना उसे बोलना नहीं, हक जताना कहते हैं। तुम प्लीज जाओ यार, हद से ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। चंचल हम तुम्हारी फोटो रोज अपने पास रख के सोते हैं। तो फोटो से ही प्यार करो ना करण, हम तुम्हारे साथ कोई डेट वेट पे नहीं जाने वाले। तुम नहीं जानती हम तुम्हें पाने के लिए कितने मंदिरों में गए, कितनी मन्नतें मांगी। जाओ यार डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाओ। चंचल सुनो, अगर तुम हमारे नहीं हुई ना तो किसी की भी नहीं होगी, ये वादा है हमारा। करण ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड चंचल को ऐसी खतरनाक धमकी दी, तुम वहां विटनेस थी। हम तुमको तब से पूछ रहे पर तुमने कुछ नहीं बताया। पर हमने जब उस मयंक पांडे को गौरव के मिसिंग रिलेटेड पूछताछ करने के लिए बुलाया तब उसने करण के बारे में बता दिया। मैम ये 3 महीने पहले की बात है, तो हमें लगा कि सब सेटल्ड हो गया होगा। और ये सेटल कैसे हुआ होगा? हमें लगा कि चंचल ने गौरव को बताया होगा और गौरव ने अपने हिसाब से करण को सब समझा दिया होगा। सुनकर दुख हुआ कि चंचल ऐसे कहीं चली गई। कहीं चली गई या तुमने उसे कहीं भेज दिया? ये कैसे सवाल कर रही है आप हमारे बेटे से? करने दो माँ, अब बस सवाल ही तो करना है ना। हमारे बारे में जो बताया होगा साथी ने। गौरव की लाश मिली, अब दफनाया गया था उसे। हमने चंचल से कई बार कहा कि जो गौरव के साथ रिश्ता जोड़ रही है इससे वो सिर्फ अपना फ्यूचर दफन कर रही है। चंचल के आसपास भी गया ना तो बड़ा आखिरी बार होगा किसी के पास गया होगा। दूर तो तुमको रहना चाहिए चंचल से। अबे चंचल भाई की गर्लफ्रेंड है बे, भाभी बोलना आज से उसको। वो बेचारी अपना फ्यूचर खराब कर रही तेरे इस भाई के साथ। ये फ्यूचर हमारे साथ था उसका, और अपने फ्यूचर की चिंता है ना तो दूर रहो उससे। नहीं ऐसी जगह दफन करेंगे ना तुम, फ्यूचर तो क्या बेटा प्रेजेंट भूल जाओगे अपना। दफनाने की धमकी गौरव ने हमें दी थी, हमने गौरव को नहीं दी थी। हाँ हमने चंचल को वार्न जरूर किया था कि गौरव से दूर रहे। एक गड्ढे में गौरव की लाश मिली हमें, पास ही में दूसरा गड्ढा मिला। क्या उस गड्ढे में तुमने चंचल को दफनाया? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है आप? क्या आपको ये पता है कि चंचल की वजह से गौरव और करण के बीच में लड़ाई हुई थी? माँ को कुछ नहीं पता है, जो था हमारे और चंचल के बीच में था। किससे करवाया तुमने? गलत आदमी से सवाल कर रही है। हम चंचल से प्यार करते हैं, उसके साथ जो हो रहा है सुनकर बहुत दुख हुआ, और उम्मीद है कि आप जरूर उसे ढूंढ लेंगे। उसने हमारा साथ कभी नहीं दिया, लेकिन हम उसको मारने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। हम 10 दिन से घर पर हैं, बीमार है। क्या हुआ है तुम्हें करण? टाइफाइड। ट्रीटमेंट की पूरी डिटेल दो मुझे। सब मिल जाएगा मैडम, और साथ में आपको एक सलाह भी देना चाहेंगे। ये जो स्वाती है ना उस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। हाँ उसने हमारा नाम लिया, जबकि सच तो ये है कि चंचल ने कभी हमें इतना भाव दिया ही नहीं कि हम उसके करीब जा सके। और तो और आपने कहा था कि स्वाति से पहले मयंक पांडे ने हमारा नाम लिया था, आपको नहीं लगता ये दोनों मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं? वो साजिश कर रहे हैं। कैसी साजिश? ये आप ढूंढ लीजिए। स्वाति तुम्हें पहले ही करण के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए था। अगर तुम पहले ही उसका नाम ले लेती तो कम से कम हमें बार बार क्वेश्चनिंग के लिए तो नहीं बुलाया जाता। अंकुर हम भी उतना ही जानते जितना कि तुम। चंचल क्या कर रहे थे हमको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। हमको लगा था कि उसका शायद गौरव के साथ भागने का कोई प्लान होगा, लेकिन अब तो गौरव की लाश भी मिल चुकी। लग तो नहीं रहा कोई और भी डेड बॉडी मिलेगी यहाँ, लेकिन गड्ढा तो खोदा गया, पत्ते पर जो सूखा हुआ खून मिला उससे कुछ पता चला? उनको लैब में भेज दिया, जल्दी रिजल्ट आ जाए। ये हो क्या रहा है राशिद? तुम्हारे कब्रिस्तान के पीछे कोई नया कब्रिस्तान बना रहा है और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं? मैं कुछ नहीं पता साहब। हाँ अबरार को कुछ याद आया? क्या याद आया अबरार? मेरी बेटी कहाँ है? हमने कहा था ना गौरव को मत जाने दीजिए, अब देख लीजिए ये सब क्या हो रहा है। गौरव का मर्डर हो गया ऋतिक, और हमें भी तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। मिल रहे हैं तो नए नए एंगल और नई नई बातों का पता चल रहा है जिसके बारे में पहले कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। चंचल की लाइफ में गौरव था, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद ये वन साइडेड लवर करण झा का पता चला, और हमें ये भी पता है कि आपकी बेटी चंचल सिर्फ ड्रिंक और पार्टी के लिए कुछ भी कर सकती है। कैसी भैयात बात कर रहे हैं आप? उसे ढूंढ नहीं पा रहे तो इसका मतलब बदनाम करना शुरू कर देंगे। उसे बदनाम नहीं कर रहे हैं, हर दिन उसके बारे में कोई नई बात पता चल रही है हमें। अब पता चला है कि उसके गायब होने के महीने भर पहले खड्डे खोदने की प्लानिंग चल रही है। दफनाने के लिए तुमसे कोई गड्ढे की गहराई पूछा? हाँ साहब,
बस इतना याद है कि वो फोन 26 जनवरी के आसपास की रात आया था। ये आप कहीं दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बस ऐसे पूछ रहे थे गड्ढा कितना गहरा है। हमें लगा कोई मस्करी कर रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद लग रहा है जैसे फोन जानबूझ के किया गया हो। अगर वो नंबर नोट किया था तुमने, जिस नंबर से कॉल आया था? तुम नहीं साहब, वो फोन तो ऑफिस के लैंडलाइन पर आया था, इसलिए नंबर पता नहीं चला। तो दूसरे गड्ढे में डेड बॉडी तो नहीं मिली, पर आपका अंदाजा सही हो सकता है, शायद कोई और मर्डर प्लान किया जा रहा था। जाहिर था कि एक और हत्या की योजना बनाई गई थी, पर क्या आखिरी वक्त पर दफनाने की जगह को बदल दिया गया था? चंचल इस वक्त कहां थी? क्या कॉल रिकॉर्ड से कब्रिस्तान में अबरार को फोन करने वाले का पता चल पाएगा? गौरव के कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के लिए हैरान कर देने वाले थे, और इससे भी बड़ा झटका लगने वाला था जब ये पता चलने वाला था कि लापता होने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। तुम लोग हर बार ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? सर, हम स्वाति के बॉयफ्रेंड हैं और चंचल इनकी दोस्त है। हम चंचल को इतना नहीं जानते, पर स्वाति जानती है। हम कुछ साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाह रहे हो? हमें तो लगता है कि ये गौरव का कुछ इंटरनल मामला है। कोई बात अब इंटरनल नहीं रही है, हर बात कनेक्टेड है चंचल से। बात क्या है? सर, आप इस मयंक पांडे से पूछिए, वो बड़ा है सामने से करण का नाम लेने वाला। सर, स्वाति ने आपको करण के बारे में कुछ बताया? करण? सच तो ये है कि ये मयंक और गौरव, ये दोनों क्या अंकुर? स्वाति तुम बताओ ना, सब हम ही बोले। सर, गौरव की गुंडागर्दी का हमें थोड़ा अंदाजा था, मयंक भी गुंडागर्दी करता है, ये दोनों अपने अपने इलाके में गुंडागर्दी करते हैं। मयंक और गौरव के बीच कोई रंजिश थी चंचल को लेकर? नहीं सर, चंचल को लेकर तो नहीं, चंचल क्लियरली गौरव की गर्लफ्रेंड थी। तुम लोग हमें कुछ बता रहे हो या फिर कंफ्यूज कर रहे हो? रेशमा पिंकी, हमने चंचल की पीने की आदतों के बारे में बहुत ज्यादा सुना, और वो जो भी करती थी उसकी ज्यादातर आदतें गलत ही थी। अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी वजह थी कि चंचल झूठ बोलकर अपने घर से भागने के लिए मजबूर हुई? उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और उसकी अभी तक कोई खबर नहीं। गौरव के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, ना ही करण झा के बारे में जानते थे। सर, बस इतना पता है कि चंचल को पीने का बहुत शौक चढ़ा है, बियर बॉटल्स भी वो खुद ही लेकर आती है। सर, हमें तो लग रहा है कि उस दिन भी वो घर से झूठ बोलकर इसीलिए निकली हो, किसी ने बुलाया होगा उसको पीने के लिए। चंचल मिसिंग है, गौरव की डेड बॉडी मिल चुकी है, इतना बड़ा कांड हो चुका है, और तुम बोल रही हो वो सिर्फ ड्रिंक और पार्टी के लिए प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर गई हो। स्वाति अंकुर। सर, वन मिनट। सर, मैंने गौरव के कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ उसके चैट और मैसेजेस के लिए भी स्पेशल रिक्विजिशन डाली थी। कुछ मिला क्या? हाँ सर, 22 तारीख को गौरव के घर से निकलने से पहले उसे ये मैसेज आया था, चंचल का मैसेज जो उसने कानपुर से किया था गौरव को। गौरव जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना, सुबह 11:30 बजे घर से निकलो, पर संभल कर, तुम पर नजर रखी जा रही है, फिर वहाँ से सीधा देवी माता सर्कल पर जाना, वहाँ तुम्हें रोहित मिलेगा, उसे पता है हम कहाँ हैं, रोहित हमारे पास ले आएगा, पर ये बात ना हमारे पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए ना पुलिस को। चंचल का ही मैसेज कानपुर से है? जी सर, मैंने लखनऊ साइबर टीम को चंचल के फोन लोकेशन के बारे में पूछा। हाँ निकिता, हमने चंचल गुप्ता के सिम और फोन दोनों को सर्विलेंस पे रखा है। 22 मार्च को सुबह 7:15 पर चंचल का फोन एग्जैक्टली 15 मिनट के लिए ऑन हुआ था, लोकेशन थी कानपुर, कोई कॉल नहीं किया गया लेकिन एक मैसेज सेंड हुआ था उसी गौरव तिवारी के नंबर पर, जिस नंबर की तुम बात कर रही थी। रोहित वही है ना जो मयंक पांडे के साथ आया था? जी सर। अब इस रोहित का क्या चक्कर है? क्या पता चला? वहां पुलिस ने बताया कि चंचल ने 22 तारीख को कानपुर से मैसेज की। चंचल कानपुर में? हाँ माँ। तूने पापा को बताया? मैंने डेरी फोन किया, वहां पता चला कि पापा पुलिस स्टेशन गए। ऋतिक, हमारी चंचल कर क्या रही है? पता ही नहीं माँ क्या कर रही, पर इतना तो है माँ कुछ अजीब चल रहा है। रोहित कहाँ है? रोहित? हाँ रोहित, आपका बेटा है ना?
हाँ पर वो तो घर पर नहीं है। तो कहाँ है फिर? बैग लेकर गया था, बोला काम मिला है। कहाँ काम मिला है? वो तो उसने नहीं बताया। कब तक लौटेगा रोहित? पता नहीं माँ, शायद हमें वहाँ रुकना भी पड़े। हम पहुँच के कॉल करेंगे आप। अचानक से बोला कि काम मिला है, जाना पड़ेगा। थोड़ा परेशान भी लग रहा था। रोहित का ये नंबर बंद आ रहा है, कोई दूसरा नंबर है? उसका एक ही नंबर है, पर आपको हमारे रोहित से क्या काम है? आप चंचल को जानती हैं? जानते तो नहीं है, पर सुना है उसके बारे में कि बड़े घर की लड़की और गायब हुई है। नहीं, कानपुर में हमारा कोई नहीं है। हम लोग तो यहाँ कुंतीपुर के ही रहने वाले हैं। हमारे जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब वाराणसी में, लेकिन चंचल वहां नहीं गई होगी, नहीं तो अब तक कोई चुप नहीं बैठता मामला। तो यहाँ कौन मुंह खोल रहा है? सब कुछ ना कुछ नया बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पहले गौरव तिवारी का नाम सामने आया, वो मारा गया। फिर करण झा का नाम सामने आया, वो बीमार है। और अब रोहित माथुर का नाम सामने आ रहा है, वो गायब है। हमारी बेटी एक हफ्ते से लापता, उसकी जान को खतरा है। वो यहाँ से कानपुर जाकर मैसेज नहीं करेगी? जिसके साथ उसका अफेयर था, जो आप सब लोग मिलकर छुपा रहे हैं, उसी को मैसेज भेजा है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने किसी के साथ मिलकर गौरव को मार दिया हो? आपकी बेटी का मैसेज आने के बाद ही गौरव तिवारी अपने घर से निकला, वो सीधा जमीन में दफन। आपकी बेटी के मैसेज में जिसके नाम का जिक्र है रोहित, वो 23 तारीख को अपने घर से निकला, ठीक तब जब पुलिस को गौरव तिवारी की डेड बॉडी मिल चुकी थी। मैडम हमें तो अब भी पता चला कि रोहित कहीं गायब है। हमें लगा नहीं था कि उसका ऐसा कोई चक्कर निकलेगा और वो भी गायब हो जाए। बहुत हो चुका है गायब होने का सिलसिला। मयंक, सुनील, विनीत, प्लान क्या है ये बताओ। हमको नहीं मालूम मैडम, हम तो गौरव के खास दोस्त थे। उसने चंचल के किसी मैसेज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, और ना ही ये बताया कि रोहित गौरव को चंचल से मिलवाने जा रहा है। पर मैम, रोहित हमारा खास दोस्त है, उसने भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस वक्त रोहित सस्पेक्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि वो हरिराम मार्केट से बियर लेने गया था। इसलिए जो कुछ भी तुम लोग जानते हो बताओ। हमने तो आपकी खबरी को बताया था, 22 तारीख को ये लड़का 4 बोतल बियर लेने आया था। उस दिन तो खाली रोहित आया था, लेकिन बाकी सब लड़के भी यहीं से बियर लेकर जाते हैं। ये लड़की चंचल, ये कभी आई? नहीं मालिक, ये लड़की तो कभी नहीं आई। मैडम अब रोहित ने बियर ली तो उससे आप हम सब पर क्यों शक कर रहे? हम सभी वही से बियर लेते हैं हमेशा। रोहित ने 4 बोतल बियर ली, गौरव को पिलाई, मार दिया और दफना दिया, ये सब काम उसने अकेले किया। अब मैडम उसने अकेले किया, किसके साथ किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सब हम कैसे बताएं आपको? कुछ तो गड़बड़ है मैडम, ये सब जो हो रहा है ना, चंचल किसी के साथ मिलकर कर रही है, और रोहित भी उसे मिल गया होगा, तो चंचल ने रोहित को कहा होगा कि गौरव को बुलाने। कहाँ है चंचल? जल्दी चलो, वो तुम्हारा वेट करेगा। चंचल कर का है रही है सभी? गायब क्यों हुई? पता नहीं, उसका कुछ पर्सनल है, हमसे कहा तुम्हें लेके आने के लिए, तुम्हें बताएगी, चलो। लेकिन मैडम रोहित ऐसा नहीं है, हमको नहीं लगता कि रोहित ऐसा कुछ भी करेगा। मैडम ये पक्का करण झा नहीं किया, उसी ने कुछ किया होगा। करण झा चंचल के गायब होने के पहले से बीमार है, ये पता किया है हमने। अबे विनीत तुम बताओ ना, तुमने और गौरव ने मिलकर पीटा था ना उसे रोड पर? हाँ पीटा तो था, लेकिन करण इतना शातिर होगा कि रोहित को अपने तरफ करके गौरव का मर्डर करवा दे। मयंक तुम बोलो ना, वो रोहित तो तुम्हारे साथ उठता बैठता था ना, वो ऐसा कर सकता है क्या? सर कानपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है, चंचल और रोहित के फोटो भी भेज दिए, उन्होंने पूरे कानपुर में दोनों के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ये तो ठीक है दीक्षित, पर यहाँ सब हो क्या रहा है? गेम कौन खेल रहा है? कुछ चंचल? चंचल इतना बड़ा खेल खेल सकती है क्या? मतलब वो रोहित के साथ मिलकर गौरव को मार सकती है? स्वाति, चंचल का भाई और उसके माँ बाप तो ये सब नहीं कर रहे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटी गौरव के साथ रिलेशनशिप में थी, खुले मिजाजों वाली थी, दारू पीती थी, इसलिए शायद इसीलिए।
गौरव तिवारी के कत्ल के पीछे का राज और उसमें चंचल की भूमिका का रहस्य हमेशा की तरह रहस्य ही रहा। कानपुर पुलिस हर उस छोटे बड़े लॉजेस में चंचल और रोहित को तलाश रही थी जहां वो छिप सकते थे। बावजूद इसके कानपुर में उनकी तलाश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। चंचल गुप्ता और रोहित माथुर के फोन्स लगातार सर्वेलेंस पर थे, इस उम्मीद में कि उनके फोन्स कभी ना कभी तो ऑन होंगे। केस का सबसे पहला सुराग वो फोन कॉल बना जो अबरार को जनवरी महीने में गड्ढे की इंक्वायरी के लिए किया गया था। ये आप क्या दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है, ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था, गड्ढा कितना गहरा होता है। कौन हो भाई, और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। कब्रिस्तान के मुलाजिम अबरार ने कहा था कि उसे जनवरी में कॉल आया था। वो गड्ढे की गहराई पूछने वाला कौन? वो रोहित माथुर के फोन से किया गया। इसका मतलब मार्च में जो ये कांड हुआ है, इसकी प्लानिंग जनवरी से चल रही थी। चंचल का इस तरह अचानक 17 मार्च को किसी प्रोजेक्ट का बहाना लेकर अपने घर से निकलना, इतना भी अचानक नहीं ना। साहब ये मिर्जापुर है ना, बगल का गांव, यहाँ से एक खबर मिली है, मयंक पांडे। साहब ये पूरा एक महीना मिर्जापुर थाने में गुजार के आए, मारपीट का चार्ज लगा था साहब मयंक तिवारी और इसके साथी सुनील भदौरिया पे। लेकिन इस मयंक का गौरव तिवारी के मर्डर में या फिर चंचल के लापता होने में कोई कनेक्शन मिला क्या? अभी ये चंचल की दोस्त है ना स्वाति अवस्थी, वो मयंक पांडे के इलाके में रहती है, वहाँ पे कुछ अपने लड़के भी रहते हैं, तो उनसे पता चला है कि इन दोनों के बीच काफी टाइम तक चक्कर चला, फिर इन दोनों के बीच कुछ हुआ और दोनों अलग हो गए। सर इन सबका आपस में कुछ ना कुछ क्रॉस कनेक्शन, बस हमारा ही कोई कनेक्शन नहीं बैठ जो इस केस में कोई मदद कर सके। इस केस में मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है और था। चंचल का ताल्लुक है गौरव से, गौरव के दोस्त हैं विनीत, मयंक, सुनील, रोहित, और रोहित मिसिंग है। चंचल की फ्रेंड है स्वाति, और चंचल रोहित के जरिए एक मैसेज भेज कर गौरव को बुलाता है और गौरव का मर्डर हो जाता है। इससे पहले मयंक हमें बताता है करण झा के बारे में, करण झा जिसके सर पर चंचल को पाने का जुनून सवार, और अब हमें पता चलता है कि मयंक और स्वाति का सालों से अफेयर चला, और स्वाति का करंट बॉयफ्रेंड है अंकुर मिस्त्री, ये भी एक खिलाड़ी है अंकुर। सारे के सारे खिलाड़ी हमारे सामने हैं, पर खेल कौन खेल रहा है, किस लिए खेल रहा है, ये अब भी मिसिंग है। सर मुझे अभी भी यही लग रहा है कि चंचल हमारे साथ खेल खेल। हाँ पर क्यों, किस लिए? मुझे ये लग रहा है कि ये चंचल इस खेल में है ही नहीं, ये इस खेल से आउट हो चुकी है। हेलो इंस्पेक्टर निशांत, फॉरेंसिक से राकेश बोल रहा हूँ। हाँ राकेश बोलो। कब्रिस्तान से पत्ते पर जो सूखा हुआ खून मिला था उसका टेस्ट किया मैंने, ये ह्यूमन ब्लड बी पॉजिटिव ग्रुप का। ये तो गौरव का ब्लड ग्रुप नहीं है, उसका तो ए बी नेगेटिव है। हाँ चंचल का ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो पहले एंट्री नहीं की थी रिकॉर्ड में, इसीलिए पूछ रही हूँ। लगता है मैम आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए ऐसे अचानक से चंचल का ब्लड ग्रुप पूछना, आप प्लीज हमें बता दीजिए अगर आपको कुछ मिला है तो। ऋतिक जिस कब्रिस्तान के पीछे हमें गौरव की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे हमें सूखा हुआ खून भी मिला था, टेस्ट से पता चला कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है जो कि गौरव का नहीं है, इसीलिए मैं चंचल का ब्लड ग्रुप क्रॉस चेक कर रही हूँ। क्या हुआ ऋतिक, क्या हुआ है, चंचल मिली क्या, और ये खून के बारे में क्या पूछ रहे थे, क्या चंचल की बॉडी मिली? चंचल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सर फॉरेंसिक टीम से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने पूरा एरिया बारीकी से स्कैन किया पर उन्हें कहीं कोई दूसरी डेड बॉडी नहीं मिली। ये हो क्या रहा है दीक्षित, इस केस में हमें कुछ चुलके नहीं रहा। सर हमें मयंक पांडे और स्वाति अवस्थी दोनों से फिर से पूछताछ करनी चाहिए, हो ना हो इस पूरे केस का कनेक्शन इन सब के लव अफेयर से जुड़ा। हाँ निकिता कोई नई खबर? नहीं सर, पर मुझे लग रहा है वो मैसेज जो चंचल के फोन से गौरव को आया था
वो चंचल ने नहीं भेजा था। क्यों, ऐसा लगने की कोई वजह? सर मैंने चंचल, रोहित और गौरव के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। चंचल ने जो गौरव को मैसेज किया था तब चंचल के फोन का लोकेशन कानपुर था, और गौरव ने वो मैसेज पढ़ा था जिसमें ये लिखा था, वहां तुम्हें रोहित मिलेगा, उसे पता है कि हम कहां हैं, रोहित तुम्हें हमारे पास ले आएगा, पर ये बात ना हमारे पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए और ना ही पुलिस को। हाँ ये पढ़ा था। इसीलिए सर रोहित के पिछले कुछ महीनों के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, वो स्कैन किए, पर सर चंचल और रोहित के बीच में ना ही कोई कॉल हुआ है और ना ही कोई मैसेज, और ना ही रोहित ने चंचल को कोई कॉल या मैसेज किया है। सर अगर मान लीजिए चंचल ने गौरव को ये बोला हो, मैसेज किया हो कि तुम रोहित से मिलो, वो तुम्हें हम तक ले आएगा, तो सर उसके लिए कभी ना कभी रोहित और चंचल के बीच में कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई कॉल या मैसेज। राइट, होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, पिछले कई महीनों में भी नहीं हुआ है। चंचल के गायब होने के दिन 17 मार्च से लेकर रोहित के गायब होने के दिन 23 मार्च तक कोई कॉल या मैसेज नहीं हुआ है, और ना ही कानपुर के किसी पीसीओ से कोई कॉल आया है रोहित को। कब्रिस्तान के इंचार्ज अबरार को जनवरी में कॉल आया, वो तो रोहित के ही नंबर से आया था ना? यस सर, वो रोहित के ही फोन से किया गया था, और ये बात मेरे दिमाग में खटकी भी कि हो सकता है प्लानिंग तब से की गई हो, इसीलिए मैंने रोहित के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, पर सर इन 6 महीनों में भी रोहित और चंचल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। रोहित का है अंक? हमें नहीं पता, उसकी माँ भी हमसे ही पूछ रही है, हम खुद परेशान बैठे सर। रोहित का चंचल के साथ तो कुछ नहीं था मैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं रोहित और चंचल के बीच कुछ नहीं था मैं। और तुम्हारा, तुम्हारे और मयंक के बीच में 1 साल पहले अफेयर था, ये बात अंकुर जानता था? हाँ वो जानता है, हमने अंकुर से कोई बात नहीं छुपाई है, अंकुर मयंक को भी जानता है। तो ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? किसी ने इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, और सर हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस हमारे और स्वाति के 1 साल पहले खत्म हुए रिलेशन का है, या गौरव के मर्डर का, या फिर ये रोहित और चंचल के मिसिंग होने का है। इस केस से उसका क्या कनेक्शन है? इस केस में तुम सबका पास्ट प्रेजेंट कैसे कनेक्टेड है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, और ये सारा खेल किस चीज के लिए रचा गया है ये भी बता पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करें मैम, हमारे मयंक का अफेयर था पर सिर्फ 6 महीने के लिए, हम सालों से दोस्त थे, 6 महीना साथ में थे, फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया ब्रेकअप? रिलेशन था, हो गया ब्रेकअप, अब इसमें हम क्या करें सर? हमारा ब्रेकअप हुआ क्योंकि मयंक आवारागर्दी करता था, हम नहीं जानते थे कि 1 महीने जेल में था, जब हमें पता चला हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा, हमने ब्रेकअप कर दिया। तो ये बात तुम्हें हुकअप से पहले नहीं पता था? नहीं मैम, पता होता तो हम जाते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम सालों से जानते हैं बट कुछ चीज़ें फिर भी पता नहीं चलती। मयंक ने अपना कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था, और वो गुंडागर्दी करता था ये हम नहीं जानते थे। ये मयंक और चंचल का कोई अफेयर था शॉर्ट टर्म के लिए भी, उसके बाद ब्रेकअप हो गया? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। सर हम चंचल को सिर्फ और सिर्फ स्वाति की वजह से जानते थे, और वो बस हमारी एक दोस्त थी, सिर्फ दोस्त। सुमिल को साथ नहीं लाया? नहीं सर, उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है, और आपने ही कहा था कि उसका फोन बंद है। अब ये सुनील कहाँ चला गया विनीत? हमें नहीं मालूम सर, मयंक को मालूम होगा, वो मयंक का खास है, मयंक के साथ ही उठता बैठता है वो। सर महीनों हो गए हमारे और स्वाति के ब्रेकअप को, वो बात दफन हो गई है, आप अब क्यों खोद रहे? सुनील भदौरिया कहाँ है मयंक? हमें कैसे पता होगा, अभी कल शाम तक तो यहीं था आबिरगंज, मेरी बात हुई थी तुम सबसे। हाँ सर बोलिए। सुनील भदौरिया, कल सुबह कुंतीपुर थाने पहुंच जाना। क्यों सर? बात करनी। मयंक विनीत सबको बुलाया। ठीक है सर, हम आ जाएंगे। तेरे दोस्तों में एक एक करके गायब होने की होड़ लगी हुई, और किसी को कुछ पता नहीं। सर आप हमें डरा रहे हैं। डरना चाहिए मयंक, पहले गौरव गायब हुआ फिर लाश मिली उसकी, उसके बाद रोहित गायब हुआ जो मिला नहीं अब तक, और अब सुनील गायब है। तो फिर ढूंढिए ना इन सबको, इस सबके पीछे कौन है क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मयंक को तुम सालों से जानती थी, उसके बाद तुम्हारा उससे अफेयर हुआ, उसके बाद 6 महीने में तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्योंकि तुम्हें पता चला कि वो गुंडा है। पर तुम्हें पता कैसे चला? ये खबर गौरव ने दी, वो मयंक को जानता था क्योंकि वो खुद एक छोटा मोटा गुंडा था, पर उसने बात हमसे डायरेक्टली नहीं कहा, उसने चंचल को बताया और चंचल ने एज ए फ्रेंड हमको बताया, हम तो खुद शॉक थे। दो मिनट है तेरे पास, आराम कर ले। सर जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से स्वाति और मयंक का ब्रेकअप गौरव और चंचल की वजह से हुआ है। मयंक ब्रेकअप की बात मान तो रहा है लेकिन उसका ब्रेकअप स्वाति और गौरव की वजह से हुआ, इस बात का जिक्र नहीं कर रहा। तो निकिता तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से ये सारा खेल मयंक खेल रहा है
अपने और स्वाति के ब्रेकअप की वजह से? समझ श्योर नहीं, लेकिन मुझे ये बात खटकी जरूर। देखिए इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारे पास एक भी मोटिव नहीं। चंचल घर से झूठ बोलकर क्यों गई, वो घर वापस क्यों नहीं आई, गौरव का मर्डर किसने किया, रोहित और सुनील एक एक करके क्यों गायब हो गए? रोहित और सुनील तो मैं उनके अच्छे दोस्त थे। तो क्या हमें कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया? अंधेरे में तीर चलाते हैं, शायद तीर सही निशाने पे लग जाए। चंचल को कहां दफनाया तुमने? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा बन मत, भांडा फूट गया तेरा। पहले तुमने चंचल को मारा, उसके बाद गौरव को। हम क्यों मारेंगे गौरव को? गौरव हमारा भी तो एक अच्छा दोस्त था। रोहित ने नहीं मारा है गौरव को, क्योंकि रोहित के पास गौरव को मारने की कोई वजह ही नहीं थी। सर रोहित के पास गौरव को मारने की कोई वजह नहीं थी तो हम बेवजह गौरव को क्यों मारेंगे? हमने ना ही गौरव को मारा और ना ही चंचल को। बकवास बातें कर रहे आप। तो फिर चंचल झूठ बोल के गायब कैसे हो गई? हमें कैसे पता होगी ये बात? क्योंकि तूने ही फंसाया उसे, लालच दिया। तूने कॉल या मैसेज नहीं किया, वो कहीं मिली तुझसे। अब ये बोल कहाँ मिली? चंचल हाय। हाय। कल दारू पार्टी है, तुम आओगी? ऑफ कोर्स आऊंगी। कितने बजे? 11:30 बजे। पूरे दिन पीने को मिलेगा और बिरयानी भी है। कहाँ पर? तुम देवी माता के चौक पे आ जाना, हम वहां मिलेंगे, फिर वहां से साथ में चलेंगे। ठीक है, चल बाय। बाय। चंचल दारू पीने आई थी, वो भी हमारे साथ। चंचल के दोस्तों ने सब कुछ बताया हमें चंचल के बारे में, वो दारू पीने के लिए कभी मना कर ही नहीं सकते। उन्होंने बताया होगा लेकिन हमने कभी चंचल को दारू वारू का लालच नहीं दिया है सर। तो फिर कैसे बुलाया? अरे बुलाया ही नहीं है, बकवास बात कर रहे हैं आप। क्या वाकई में ऐसा ही हुआ था? क्या मयंक पांडे ने पहले चंचल को लालच दिया, उसकी हत्या की, फिर उसे दफन किया? और क्या फिर उसने गौरव के साथ भी ऐसा ही किया? क्या पुलिस सही रास्ते पर थी? क्या इन हत्याओं के पीछे की वजह मयंक और स्वाति के रिश्ते का ब्रेकअप ही था? क्या चंचल वाकई अब इस दुनिया में नहीं थी? तुमसे ब्रेकअप के बाद मयंक अपसेट था? ब्रेकअप के बाद कौन अपसेट नहीं होता? मैं स्वाति, हम एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और अब जाकर हमने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें जो कुछ भी चीता वो सारी चीज हम तुम्हें लाकर दे रहे हैं ना, इतनी खुश हो फिर ये सब अचानक क्यों? हम खुश नहीं है मयंक, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम जेल जाकर आए हो, ना ये बताया कि हमको जो भी गिफ्ट देते सब चोरी के पैसे से आते हैं। चोरी सारी दुनिया करती है, कोई छोटा हाथ मारता है तो कोई बड़ा हाथ मारता है यार। पर हम कोई चोर की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते और ना ही खुद को किसी ऐसे इंसान के साथ देख सकते जो जेल जाकर आया। तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो यही सुलटा देते उसको हम अभी। अच्छा हो तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। सामने आ गई? कैसे सामने आई? सपना आया तुम्हें कोई? कौन पट्टी पढ़ा रहा है तुमको ये सब? सच सामने आ ही जाता है मयंक, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक मिनट, तुम्हें ये सारी चीजें वो गौरव और चंचल सिखा रहे हैं ना? गौरव और चंचल ने उसके बारे में बताया था, ये अंदाजा लगाना मयंक के लिए मुश्किल नहीं था। हम चारों साथ घूमते थे, गौरव और चंचल को डेट करते हुए 1 साल हो गया था और हमने और मयंक ने डेट करना शुरू ही किया था। मतलब मयंक को ये पता चल गया था कि उसके ब्रेकअप के पीछे गौरव और चंचल थे? हाँ मैम, उसने इन दोनों से पूछा भी था। अकेले में क्या बातचीत करने को तुम्हें? गौरव एक बात बताओ, तुमने कौन से बड़े पुण्य कर लिए जो हमारे पाप गिनने लगे हो? मतलब गौरव तुमने चंचल को हमारे बारे में सब कुछ बताया और चंचल ने जाकर स्वाति को चाबी भर दी, स्वाति ने ब्रेकअप कर लिया हमसे। अरे यार चंचल ने हमसे पूछा, हमने बता दिया। ब्रेकअप करवाना हमारा काम थोड़ी ना बे। मगर गौरव तुमने जो बताया उसकी वजह से स्वाति ने हमसे ब्रेकअप कर लिया। ये क्या कर रहे हो मैम? तुमने हमें डरा दिया। तुमने तो हमें डराया भी नहीं, सीधा हमारा ब्रेकअप ही करवा दिया। मतलब कि तुम स्वाति को पट्टी पढ़ा रही हो हमारे कैरेक्टर की। जो हमें गौरव ने कहा वो हमने स्वाति को कह दिया, और स्वाति हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता होना चाहिए सब। तुम्हारे घर वालों को पता है गौरव क्या है? हाँ पता है। तो तुम खुश रहो ना, हमारा बना बनाया काम क्यों खराब कर रही हो? हम तुम्हारा कोई काम नहीं खराब कर रहे, बल्कि तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो। और हाँ, तुम्हारा जो भी स्वाति के साथ है तुम उसके साथ सुलझा लो। तुम हमारे दोस्तों को धमका रहे हो, तुम समझते क्या अपने आप को? धमकाया नहीं स्वाति, सिर्फ पूछा यार। तुमसे ब्रेकअप का फैसला हमारा था, चंचल या गौरव का नहीं। स्वाति तुम हमको पिछले 6 साल से जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो हम पर एक और उपकार करो, हमारा हमारे दोस्तों का पीछा छोड़ दो। हम तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहे हैं, तुम भी हमारा नंबर डिलीट कर दो। लेकिन इस बात को 6 महीने हो चुके हैं मैम, अब हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है, और दोस्ती तो कई सालों से थी। मयंक ने बता लिया? नहीं नहीं मैम, मयंक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। स्वाति के साथ ब्रेकअप जो हुआ था उसका गुस्सा था हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का मर्डर करते फिरेंगे। सर शातिर हैं हम, लेकिन बेवकूफ़ नहीं कि खुद की जिंदगी बर्बाद कर दें। रोहित और सुनील कायम है, इनको भी रास्ते से हटा दिया तूने? सर हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, केस के चक्कर में आप सभी का दिमाग काम करना बंद हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4-4 मर्डर केसेस खोल दिए आपने।
अब जब तक रोहित और सुनील नहीं मिल जाते यही रहेगा तू। हमारे यहाँ रहने से वो सभी लोग मिल जाएंगे क्या? मयंक पांडे पिछले 3 दिनों से कस्टडी में था। चौथे दिन पुलिस पास के ही गांव ढोलकीपुर से सुनील भदौरिया को पकड़ने में कामयाब हुई। अब गुनाहों की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आने वाली थी और चौंका देने वाली थी अगली हत्या के लिए रची गई साजिश। सर हमने सिर्फ मदद की, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ नहीं, बहुत ज्यादा मदद की तूने सुनील। क्या सोचकर किया था? सोशल वर्क कर रहा है, इनाम मिलेगा तुझे। पुलिस वालों के हाथ कुछ तगड़ा लगा है, हमको बुलाया है। हमको भी बुलाया। मयान फंसने वाला सिचुएशन लग रहा है। सालो दूसरा वाला गड्ढा खोदने के चक्कर में गौरव वाला गड्ढा बराबर से कवर ही नहीं कर पाए हम। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। सुनील तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, आना नहीं वापस। यहाँ पर हम संभाल लेंगे। ये बोल रहा है कि इसने सिर्फ मदद की, मतलब पक्का इसे पता है कि मर्डर हुआ है और दफनाया भी गया है। देख सब्र खत्म हो गया मेरा, सच बता दे नहीं तो मैं तुझे सच में दफन कर दूंगा। साहब हम नहीं थे, गौरव को मयंक और रोहित ने मारा। भाई ये सब क्या है? रोहित चंचल कहाँ है? आओ तो। अरे बैठो ना, लो बियर पियो। तो बियर पीने नहीं आए, चंचल ने मैसेज किया था। हम कहाँ है चंचल? बहुत तड़प रहे हो तुम चंचल के लिए। मैं तुम्हें कुछ किया है क्या? हाँ तूने छुपाया चंचल को? वो तो खुद बियर और ये बिरयानी के चक्कर में कहीं पर भी पहुंच जाती थी और मेरे नाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल रही थी। तो चंचल कहाँ पर है? तुम समझ नहीं रहे यार, हमारे साथ आया था, तुमने मार दिया इसे। अबे अभी मार दिए तो मार दिए, तुम्हारा रोना देखने जिंदा थोड़ी हो जाएगा। ये घटा कवर करो, हम वो दूसरा वाला कवर करके आते हैं। हम 22 तारीख की सुबह को तुलतीपुर बस स्टैंड से बस पकड़ कर कानपुर गए थे। वहां पहुंचकर हमने चंचल का फोन ऑन किया और गौरव को मैसेज किया, पर हम गौरव के मर्डर में शामिल नहीं है सर। चंचल के फोन का क्या किया तुमने? सब मयंक ने वापस ले लिया, अभी भी उसी के पास है। मतलब चंचल को पहले ही मार दिया था? चंचल की बॉडी कहाँ है? वही सर जहाँ गौरव को मारा था, कब्रिस्तान के पीछे, वही है वो भी। मजा आ गया मयंक। पियो पियो, तुम्हारे लिए 2 बोतल रखी है। वैसे बात से है मैम, तू इतना यारी क्यों दिखा रहा है? और ये जगह कहाँ से मिली तुम्हें? अच्छी जगह है यार कसम से। बस ऐसे ही चंचल, देख रहा दिमाग खनका, वो पीछे कब्रिस्तान है ना, वहाँ पर फोन घुमा दिया हम और पूछे कि गड्ढा कैसे खोदते। गड्ढा क्यों? उन्हें दफनाना है। कहाँ दफनाया था उसको? वहां दूसरा खड्डा खाली मिला, हमने पूरा एरिया स्कैन किया, कोई दूसरी डेड बॉडी नहीं मिली हमें वहां। बोल कहाँ दफनाया चंचल को? वहां से हमें सिर्फ गौरव की बॉडी मिली। चंचल की बॉडी कहाँ है? सब वही जहाँ गौरव की लाश मिली, उसी गड्ढे के और नीचे, वहीं पे चंचल की भी लाश है। जिस गड्ढे से गौरव की लाश मिली थी उसे और गहरा खोदा गया। डीकंपोज्ड बॉडी पर मिले चंचल के कपड़े, उससे मिला चंचल का बैग, इस बात का सबूत था कि 17 मार्च 2019 को जब वो घर से निकली, चंचल को तभी मारकर दफना दिया गया था। उसी गड्ढे में से ही बुरी तरह से डीकंपोज्ड हुई चंचल की बॉडी भी मिली। लाश का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया ताकि कंफर्म किया जा सके कि ये चंचल गुप्ता की ही बॉडी है। लेकिन वो खाली गड्ढे और रोहित के गायब होने की कहानी अब भी अधूरी थी। रोहित कहाँ है मैं? भाग गया साला। कहाँ भाग गया उसे? एक सच बोलते नहीं तो एनकाउंटर करके उसी गड्ढे में दफना दूंगा। बोल। वो तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, वरना फिर आपको बताएगा कौन कि रोहित कहाँ पर है? रोहित कहाँ है? सर रोहित की माँ का फोन आया था, रोहित घर वापस आ गया, निकिता निकली उसे लाने। तू रोहित को भी मारना चाहता था? नहीं सर। तो फिर वो दूसरा गड्ढा किसके लिए था?
हम गाजियाबाद में छुपे थे सर। कब्रिस्तान के पीछे हमें एक खाली गड्ढा मिला है, वो किस लिए था और किसे मारने वाले थे तुम? वो मयंक ने खुदवाया था, पता नहीं किसके लिए। पहले तो हम खुद ही डर गए थे कि वो हमें भी मार के उसमें ना डाल दे, क्योंकि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ गौरव को लेके आने के लिए कहा था, ये नहीं कहा कि वो उसका मर्डर करने वाला। उसके बाद जब हमारी बात सुनील से हुई तो उसने हमें बताया कि सुनील और मयंक ने मिलकर चंचल का मर्डर कर दिया। हम डर गए थे सर, हम डर गए थे। वो दूसरा गड्ढा किसके लिए था? स्वाति के लिए? स्वाति से तो हम बहुत प्यार करते हैं सर। तो फिर तेरा अगला निशाना कौन था? अगला नंबर वो कमीना अंकुर मिस्त्री उसका था। सर अंकुर अच्छे से जानता था कि स्वाति हमारी है, सिर्फ हमारी, फिर भी उसे डेट कर रहा था। अगर ये केस इतना गर्म नहीं होता ना तो आज वो भी उस गड्ढे में होता। ये सब करने से स्वाति तुझे मिल जाती? अब मिलती नहीं मिलती सर, पर किसी और की तो नहीं होती वो। और जिसने हमारा ब्रेकअप करवाया उसका तो हम परमानेंट ब्रेकअप करवा दिए। रोहित माथुर, सुनील भदौरिया और मयंक पांडे पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के चार्जेस लगे हैं। अगर दफन करना ही है तो दिलों की नफरतें, आपसी दुश्मनी, गिले शिकवे, मन में दबे हुए गुस्से और दिल को लगी ठेस, इन्हें दफन करना चाहिए। किसी की हत्या करके उसे दफन करने से हत्यारा दूसरे हाथ से खुद अपने भविष्य को भी दफन कर देता है। इस केस में पीड़ित चंचल गुप्ता और गौरव तिवारी के साथ ही हत्यारे मयंक पांडे, सुनील भदौरिया और रोहित माथुर सभी के सभी उम्र के 20 के पड़ाव पर थे। इतना घिनौना, गंभीर, अफसोसजनक और क्रूर अपराध इतनी कम उम्र में क्यों? दो नौजवानों के बीच हुए ब्रेकअप के कारण? क्या भावनाएं इतनी नाजुक हो सकती हैं कि बिखरने पर उन्हें समेटा ना जा सके? क्या किसी को पहुंचाया गया एक आघात उसके मन की उन तारों को छेड़ सकता है कि वो इस तरह का भयानक अपराध करने का फैसला ले ले? कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचा जाना चाहिए, चाहे वो काम किसी भी तरीके से क्यों ना किया जा रहा हो। सोचा जाना चाहिए कि उस बात का दूसरों पर और खुद पर क्या असर होगा। किसी की जान लेना, हत्या करना किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चोट के बदले चोट, दर्द के बदले दर्द देने से दर्द कम नहीं होता है, बल्कि एक नए घाव एक नए दर्द को जन्म देता है। अमानवीयता सिर्फ बर्बादी लाती है और सूझबूझ इंसानियत। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर के एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।